नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बढ़ता काम का बोझ और घटता स्टाफ, पब्लिक सेक्टर बैंक का ये नियत हो गया है। अगर वाकई हम कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर बैंकों से, तो भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्टाफ कम और काम ज़्यादा है। अभी रिसेंटली आईबॉक और सीएफए ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाला था, वेयर इज माई इंटरेस्ट रेट, और इसका पीडीएफ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आईबॉक एंड सीएफए है पब्लिश्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड वेयर इज माई इंटरेस्ट रेट। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू बैंकिंग सेक्टर। और अगर हम मार्च 24 की फिगर देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सफरिंग फ्रॉम स्टाफ शॉर्टेज एंड दिस इज क्लियरली विजुअल फ्रॉम द डाटा गिवन हियर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर ऑफिसर, क्लर्कर, सब स्टाफ सबको मिला दें तो लगभग 7,46,679 7,46,679 होते हैं। ये डाटा टेबल है, आप इसको क्लियरली कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। एंड प्राइवेट बैंक्स का ये डाटा ऑफिसर्स, क्लर्कल एंड सब स्टाफ को मिला के 8,46,530 होता है। फॉरेन बैंक्स इट इज टोटल 27,519, RRBs 92,248, और अदर बैंकों का है डिटेल। तो आप देखें, और प्राइवेट बैंक अगर पब्लिक सेक्टर बैंक और RRB मिला दें तो ये टोटल 8,38,927 होता है। वाइल ऑल प्राइवेट बैंक्स को मिलाएं तो ये फिगर 10,33,290 होता है। यानी कि प्राइवेट बैंकों की कंपैरिजन में हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें स्टाफ की संख्या घटती जा रही है। द एम्प्लॉयज आर सफरिंग फ्रॉम हाई वर्क प्रेशर। SBI हैज 2,119 कस्टमर्स पर एम्प्लॉय, वेयर एज HDFC बैंक हैज 392 कस्टमर पर एम्प्लॉयज। There are nearly 19.5 lakh business correspondents running customer service point as per the RBI report. और अगर आप कंपेटिवली सारा देखें तो इस फिगर में प्राइवेट डाटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एम्प्लाईज, नंबर ऑफ कस्टमर एंड कस्टमर पर एम्प्लाईज। SBI और आपने उन्होंने बताया उसी हिसाब से अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक 1,728, बैंक ऑफ बड़ौदा 1,960 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2,777 कस्टमर पर एम्प्लाई हैं। वाइल हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 268, कोटक महिंद्रा की बात करें 326 एंड द एस बैंक 236। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि अभी वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैंकों ने अपना रिक्वायरमेंट दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2,000, पंजाब नेशनल बैंक 1,800, केनरा बैंक 1,250, पंजाब एंड सिंध बैंक 522, बैंक ऑफ इंडिया 331, इंडियन ओवरसीज बैंक 225 एंड टोटल इट्स 6,128। वाइल फाइव अदर बैंक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ बड़ौदा have not released vacancy till now, यानी कि इनका कहना था कि not required, vacancy है नहीं। ये इन्होंने कोई requirement नहीं दिया है। और जब इस crisis के बावजूद भी हमारे बड़े बैंक कहते हैं कि हमारे यहाँ employees की जरूरत नहीं है, और फिर union का रोल तब आता है जब सारे काम हो जाने के बाद यूनियन कहती है कि स्टाफ क्राइसिस है एंड हम वी विल टेक अप द मैटर। मैटर कब लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, ये यूनियन नहीं बताती है। और अल्टीमेटली वही सेम पोजीशन रिपीट एंड रिपीट होता है। और इस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज के ऊपर जो प्रेशर वर्क लाइफ बैलेंस का है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू, नमस्कार।